तो आज का न्यूज क्या है? आज का न्यूज इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या वोलेटाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूज है। तो इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है, इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। उसने क्या एक स्टडी किया है अभी? उसने एक स्टडी के द्वारा, एक रिसर्च के द्वारा ये बताया है कि इंडिया आने वाले 8 सालों में, ठीक है, आने वाले 8 सालों में जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको 76% से कम कर सकता है। ठीक है, न्यूज़ क्या है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च है, एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, उन्होंने एक रिसर्च के द्वारा ये बताया है कि इंडिया आने वाले 8 सालों में वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर्स को 76% से कम कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात, एक क्वेश्चन उठता है कि ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर्स होते क्या है और इन्हें कम करने की जरूरत क्यों है, ठीक है, और कैसे हम इन्हें कम कर सकते हैं। तो इंडियन जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च है, उन्होंने बताया है कि हम कैसे कम कर सकते हैं, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, यानी जितने भी हमारे पास 2 व्हीलर और 3 व्हीलर व्हीकल्स हैं, वो जनरली पेट्रोल बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो जितने भी 2 व्हीलर या 3 व्हीलर व्हीकल्स हैं उनको स्वैप कर देना है, बदल देना है, किसे? इलेक्ट्रिकल व्हीकल से। और जितने भी डीजल इंजन व्हीकल्स हैं, ठीक है, जो डीजल से चलते हैं, उन्हें कन्वर्ट करना है किसमें? सीएनजी में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में। आपको पता है कि बहुत सारे शहरों में, इंडिया के बहुत सारे शहरों में सीएनजी को अपनाया जा रहा है। ठीक है, डीजल के जगह पे सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को फ्यूल के रूप में अपनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उससे जो पॉल्यूटेंट रिलीज होते हैं वो काफी कम होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो सजेशन दिया जा रहा है इंस्टीट्यूट के द्वारा, वो ये दिया जा रहा है कि जितने भी 2 या 3 व्हीलर व्हीकल्स हैं उन्हें आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से बदल दें, और डीजल व्हीकल जितने हैं उनको आप सीएनजी व्हीकल्स के रूप में कन्वर्ट कर दें। और इससे आप क्या कर सकते हैं, अगले आने वाले 8 सालों में वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर्स का जो अमाउंट है, जो रिलीज है, उसको 76% से कम कर सकते हैं। अब यहाँ जरूरत क्या है वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर्स को कम करने का जरूरत क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले समझना होगा कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर होता क्या है। देखिए, वोलेटाइल का मतलब होता है तुरंत ही वेपर में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, जैसे आपने परफ्यूम यूज किया है, ठीक है, या बॉडी स्प्रे यूज किया है, उसमें क्या होता है, वो अंदर लिक्विड के फॉर्म होता है, जैसे ही वो इन्वायरमेंट में आता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, फ्यूम में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर के फॉर्म में तुरंत ही कन्वर्ट हो जाता है। उसको कहा जाता है वोलेटाइल, क्योंकि उसकी बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होती है, बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होती है, यानी कम ही टेम्परेचर पे, यानी रूम टेम्परेचर पे ही वो वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, इसीलिए उसे बोला जाता है वोलेटाइल। का मतलब क्या हुआ? हाईली टेंड्स टू कन्वर्ट इन वेपर, मतलब बहुत ही जल्दी वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि उसकी वॉइलिंग पॉइंट कम होती है, जिसके कारण वो तुरंत ही वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वोलेटाइल का मतलब होता है कि वेपर में कन्वर्ट हो जाए बहुत जल्दी। और ऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मतलब हुआ वैसा कार्बन कंपाउंड जिस जो तुरंत वेपर में कन्वर्ट हो जाए, जिसकी वॉइलिंग पॉइंट कम हो, जैसे कि बेंजीन। तो आपको पता होगा कि जितने भी व्हीकल्स होते हैं उसे पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, व्हीकल्स में जो फ्यूल यूज करते हैं हम लोग, डीजल या पेट्रोल, उसे पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, और उन पॉल्यूटेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स होता है, ठीक है, वो होता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर। यानी जब एग्जॉस्ट निकलता है, जो साइलेंसर होता है उससे जो एग्जॉस्ट निकलता है व्हीकल्स के, उसमें से वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर भी निकलता है, वो एयर में आते ही, एटमोस्फेयर में आते ही वो तुरंत ही वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और वो हमारे हेल्थ के लिए और एयर क्वालिटी के लिए काफी खतरनाक होता है। तो यहां हम देखेंगे कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर्स आर कार्बन कंटेनिंग
केमिकल्स रिलीज्ड बाय पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल, पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स के द्वारा रिलीज किया जाता है, दे इंपैक्ट एयर क्वालिटी एंड ह्यूमन हेल्थ, दे इंपैक्ट एयर क्वालिटी एंड ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। और इसके साथ साथ ही ये तो एंथ्रोपोजेनिक काउज हुआ, वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर के रिलीज का, एक नेचुरल काउज भी होता है, यानी नेचर के द्वारा भी वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर्स रिलीज होते हैं नेचुरली। कैसे? जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट इन वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर्स को रिलीज करते हैं। फॉर व्हाट पर्पस? किस लिए? जो प्लांट वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर्स को रिलीज करते हैं ताकि वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सके। पॉलिनेटर्स क्या होते हैं? जो पॉलिनेशन में भाग लेते हैं, जैसे कि बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स हुए, ठीक है, हनी होता, बी होता है, ये सब क्या करता है? पॉलिनेशन में भाग लेता है। तो जो पॉलिनेटर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए प्लांट्स क्या करता है? वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर रिलीज करता है, यानी नेचुरली भी वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर्स रिलीज किया जा सकता है, ठीक है। और प्लांट्स इनको इसलिए और रिलीज करते हैं ताकि वो पेस्ट से, पेस्ट क्या होता है, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो पेस्ट होते हैं, उनसे बचने के लिए भी प्लांट वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर्स को रिलीज करता है, यानी नेचुरल तरीके से और आर्टिफिशियल तरीके से, दोनों तरीके से वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर रिलीज होता है। बट हमारे यहाँ पे कंसर्न क्या है कि जो एंथ्रोपोजेनिक कारणों के कारण जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर रिलीज हो रहा है उसको रोकना, उसको कम करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन हेल्थ के लिए और एयर क्वालिटी के लिए खतरनाक होता है। और वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर्स जो कि व्हीकल से रिलीज होते हैं, एग्जॉस्ट होते हैं, उनका सबसे अच्छा एग्जांपल है बेंजीन। तो बेंजीन याद रखेंगे वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर है। क्यों है? क्योंकि वो तुरंत ही वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसीलिए इसे वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर कहा जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर्स का ह्यूमन हेल्थ पे क्या प्रभाव होता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। प्रीलिम्स में, यूपीएससी के प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछता ही है एनवायरमेंट से रिलेटेड, और अगर ये न्यूज में है करंट में तो इस पे क्वेश्चन जरूर बनता है। क्या क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं, जैसे ऑप्शन देके पूछा जा सकता है आपसे कि कैसे ये कैसे रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो इसमें दो कारण आपको देना है, साथ ही साथ किनका क्या इफेक्ट है, या फिर वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर किसे कहते हैं, है ना, क्या होता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर, इससे रिलेटेड मतलब कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे हेल्थ पे इसका क्या प्रभाव होगा। Effect of volatile organic matter on hill. हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो सबसे पहला पॉइंट है वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर कैन इरिटेट द आइज, नोज एंड थ्रोट, damage body organs and cause cancer, ठीक है। तो क्या इफेक्ट है हेल्थ पे वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर का? ये हमारे आईज को इरिटेट करता है। इरिटेट करना मतलब जैसे जलन देना, ठीक है, या फिर नोज को इरिटेट करेगा,
और इसमें मैक्सिमम जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो कार्सिनोजेनिक होते हैं। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। तो मैक्सिमम वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर क्या कर सकते हैं? कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ट्यूमर प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए ये हमारे हेल्थ के लिए काफी हानिकारक है, ठीक है, और इसलिए इन्हें कम करने की जरूरत है। और इंडिया में चूंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा होता है, व्हीकल्स बहुत ज्यादा है, इसके कारण वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर काफी मात्रा में रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, जो कि हमारे हेल्थ के लिए भी हानिकारक है, साथ ही साथ एयर क्वालिटी के लिए भी हानिकारक है। हेल्थ में ये कार्सिनोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। It is also linked to medical condition such as asthma and heart disease. और साथ ही साथ अस्थमा और हार्ट डिजीज जैसे बीमारियों को भी ये प्रोड्यूस करते हैं। वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर्स का इफेक्ट क्या होता है हेल्थ पे, ये क्या कर सकते हैं? आई को इरिटेट कर सकते हैं, नोज को, थ्रोट को, और साथ ही साथ कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसके अलावा ये अस्थमा और हार्ट डिजीज जैसे बीमारियों को भी उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर्स को हमें रिड्यूस करने की जरूरत है।